कैथल में भाजपा नेता अरुण सराफ की ज्वेलरी दुकान से 8,70,000 रुपए के जेवरातों की लूट के मामले में सीआईए 1 पुलिस ने आरोपी नकली एसएचओ रमनदीप को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी द्वारा लूटे गए सभी जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 4 मार्च को आरोपी कैथल के सराफा बाजार में अरुण सराफ की ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचा और वहां पहुंचकर खुद को पेहवा सदर थाना का एसएचओ और पेहवा मंत्री सरदार संदीप सिंह का जानकार बताया और हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने की बात भी कही। अरुण सराफ को जब आरोपी के चाल चलन व एसएचओ होने पर भाजपा ज्वाइन करने पर शक हुआ तो मंत्री संदीप सिंह से फोन करके इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि आरोपी की बातों में गड़बड़ी है। इसके बाद अरुण सराफ ने बिना पैसे दिए जेवरात नहीं देने की बात कही तो आरोपी ने कहा कि वह गाड़ी में पैसे दे देगा। जब दुकान से लड़का उससे पैसे लेने गया तो आरोपी ज्वेलरी लेकर अपनी गाड़ी में फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के बाद सीआईए 1 पुलिस थाना में डीएसपी रविंदर सांगवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखें डीएसपी ने क्या कहा। 4 तारीख को फोन के माध्यम से एसएचओ सिटी को सूचना मिली थी कि एक पेवा का एसएचओ बता के हमसे ठगी करके और एक तरह से चोरी करके जैसे उसकी गाड़ी के पास उसको छोड़ने गया उसका वर्कर तो उसको धक्का दे के वो निकल गया। मामला ये था कि अरुण सराफा जी की दुकान है, यहाँ पर आपको सबको पता भी है, तो एक रणदीप आया था 3:30-4 बजे के करीब। बोला मैं पेवा का एसएचओ हूँ और उसने पहले बहुत सारी चीज़ें देखी और उसमें से कुछ उसने सेलेक्ट कर लिया 8,70,097 रुपये की ज्वेलरी। तो उसके बाद वो बोले ठीक है, बिल बैल उन्होंने बना दिया उनके जो भी बैठे थे। बोले पैसे तो मैं गाड़ी में रखे हैं, मैं गाड़ी से दूंगा। तो उसने अपने नौकर को उसके साथ भेज दिया वर्कर को, तो वर्कर को लेके गया तो वहाँ पे वर्कर को धक्का दे के वो निकल गया। तो कल सीआईए 1 टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसने रणदीप को यहाँ से करुक क्षेत्र से पृथ्वी कॉलोनी से और अब इससे पूरा पेवा से और अब इससे पूरी जितना भी वो ज्वेलरी ले के गया था उसको हमने रिकवर कर लिया, उसकी गाड़ी रिकवर कर लिया। एक उसने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था पुलिस का, वो अभी तक हम बरामद नहीं कर पाए। और इसके अलावा इनकी इंचार्ज रमेश को और इनकी पूरी टीम को अब 24 घंटे के अंदर ही ये हमने रिकवर सारा। तो सर कैथल से पहले कहा है और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, इसका रमनदीप नाम है, उर्फ लाड्डी है ये पृथ्वी कॉलोनी पेवा का रहने वाला है। कैथल से पहले कहाँ वारदात, ये इसने बताया है कि मैं एक पुंडरी भी गया हूँ और करनाल भी गया हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एसएचओ बन के जाता था ये वहाँ भी, ऊपर उन्होंने नहीं इसको भाई भाव दिया भाई, क्योंकि इसकी समझने वाला इसका एसएचओ है वो दाढ़ी भी रख रहा है और उसका थोड़ा है ये भी देखना था, तो हमने इसको रिकवर कर लिया। सही इसका रिमांड लेंगे एक दिन के लिए। इसका जो आइडेंटिटी कार्ड इसने जो पुलिस का दिखाया था वो भी हमने खेल मंत्री से बात करने की बात भी सामने आई है, जान पहचान किया उनसे, कोई बात हुई कॉल पे कुछ ऐसा पता लगा जान। एफआईआर में तो ऐसा नहीं है, वो उनसे अरुण सराफा जी से पूछना पड़ेगा, खेल मंत्री से। इसके पास तो कोई फोन नहीं था उस टाइम पे, इसके पास फोन नहीं था ना, तो इसके पास हमने तो इसकी फुटेज देख के इसकी क्या नाम है इसकी गाड़ी का नंबर ले लिया और इस तरह से मुखबर लगा के जब हमने गिरफ्तार किया। कैब भी लिए हुए था वो पुलिस जब सर ये दुकान में जाता है, क्या वर्दी में था सर? नहीं नहीं, ये सिविल उसमें टी शर्ट में और उसमें था। कैब भी लिए हुए नहीं नहीं थी पुलिस की, कैब सीसीटीवी पुंडरीवाड़ वो देख लेंगे इससे पहले। अब इसका एक दिन का रिमांड ले आया तो इसको और भी देखेंगे अगर भाई इसने कहाँ कहाँ गया है वहाँ भी ले जाने की। पुंडरी कल ही गया था सर ये, या इससे पहले कभी गया था पुंडरी? कल उसी दिन गया था। चार काम क्या करता है सर ये? ज्योतिष का काम करता है, बारहवीं पढ़ा है। इसके पहले तो इसकी कोई FIR नहीं है और ना इसका कोई ऐसा है। जो गाड़ी बरामद की है वो रजिस्ट्रेशन कहाँ है गाड़ी का? ये बलेनो कार है, वो सारा पता कर लेंगे उससे। सर कोई इनकी पार्षद भी है कोई रिश्तेदार बताइए पे होगा मैं जो मंत्री से बात कर रहा हूं कोई ऐसे पूछता है? इसके पास कोई फोन नहीं था उस टाइम पे, अगर इसके पास वो शिकायत करता खुद कह रहा है सर। क्या शिकायत करता ने ये बात माननी है कि मंत्री से जो बातचीत हुई है उस संदर्भ में कोई बात पूछताछ में पता लगा है कि इसकी कोई पार्षद? सारी डिटेल से इससे लेंगे भाई, मंत्री जी को आप संदीप जी का जो नाम लिया है कैसे जानते हो आप, वो बात आपने कराई है कि जिन्होंने गोल्ड दिया उन्होंने करी? पेवा सदर थाने में सर कोई एसएचओ है क्या इस नाम का? नहीं इस नाम का, इस नाम का कोई नहीं है, ये एसएचओ लग भी नहीं रहा है, इसकी बॉडी से भी उससे भी नहीं लग रहा है। और इनकी टीम को सीआईए 1 इंचार्ज को रमेश जी को बहुत बहुत बधाई। और ये 24 घंटे ज्वेलरी कितनी है? ये 8 लाख
70,097 रुपए की जेल तो कंप्लीट रिकवर, वो सारे रिकवर कर ली और अब उनको उनके हवाले करेंगे। और उसके बाद सर करनाल में आपने बताया कि वारदात को अंजाम दे के वहाँ भी कोई मामला दर्ज है? नहीं नहीं, ये जा अभी तक वारदात नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए जो इस जो इसने बताया। और उसके अलावा भी हम निकाल लेंगे ये कहाँ कहाँ गया है, तो अपने एक दिन का इसका रिमांड यूँ ही लिया है और जहाँ ले जाने की जरूरत पड़ी तो वो भी देखेंगे। और इसके साथ ये भी देखेंगे इसके साथ कोई और बंदा है, कोई और गिरोह है, तो वो सारी चीज़ अब पूछताछ में। इसके करनाल कब गया था सर? ये उससे पहले ही गया है, जो 4 तारीख को गया उससे पहले ही गया। पुंडरे और ये वारदात एक ही दिन की है? हाँ, एक ही दिन की। इससे पहले क्लू कैसे लगे थे जो पकड़े गए? अब इसका फोटो भी आ गया था, ये हरेक वो सीसी कैमरा था, इसकी गाड़ी भी थी आगे, सीआईए वो कैमरे चेक करते करते इसका वो इसीलिए पता लग भी गया इसका। ज्योतिष का काम कहाँ करता है? ये वहीं करता है अपने पृथ्वी कॉलोनी में, पेवा में। पहले भी अभी तक इसका ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं है, ये पहली ही FIR है इस पे। वो देखने अब पूछेंगे वो, तो अब ये तो क्राइम ही है एक तरह से, धक्का मार के लेके गया है, तो बहुत बहुत बधाई हो SHO। जो ज्वेलरी बरामद किया वो पेवा से बरामद किया, बेचने का प्रयास करा, पेवा से ही करिए।